हेलो गाइस, तो आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक होगे और मैं भी ठीक हूँ, तेरा भाई भी ठीक है यार। और जैसे कि हमारा ये सेकेंड ब्लॉग है और अभी हो रहे हैं मॉर्निंग, और तो हमारी ब्लॉगिंग आज जो है वो अप्लाइड साइंस के ऊपर है। तो हम आपको आज अप्लाइड साइंस घुमाने वाले हैं। और जैसे कि हम आपको बताने भूल गए थे पहले ब्लॉग में कि हमारी जो कॉलेज है वो पंजाब में जो लुधियाना में सिचुएटेड है, जो कि मेन लुधियाना में तो नहीं लेकिन उससे 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। और हमारा कॉलेज से बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल है। तो आपको एक एक करके सारे हर एक पार्ट में आपको हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। इतनी चीज़ें कि हमारी इस पर वीडियो बनाने में कम से कम 8 से 10 वीडियो बनेंगे हमारे पूरे कॉलेज को अगर अच्छे से विजिट कराऊँ तो। तो आज पहला जैसे कि ब्लॉग था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की और के पे, और दूसरा जो ब्लॉग है और मैं आपको पूरी अप्लाइड साइंस घुमाऊं, उससे पहले मुझे एक लैब करनी है बी की, जो कि लगी है और वो करनी कंपलसरी है। तो मैं करके आपको पूरी अप्लाइड साइंस घुमाऊंगा और मैं आपको बी की लैब भी घुमाऊंगा हमारे लैब ख़त्म होने के बाद, तो बने रहिए। और जैसे ही गाइज हमारा बी की जो लैब है वो ओवर हो चुकी है और हमने आपसे जैसे कि बोला था कि आपको बी की लैब भी घुमाऊँगा, तो ये हमारी बी की लैब है और जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. We'll go. बीग लैब हमारी अभी ख़त्म हुई है और अभी हम जा रहे हैं। आपको आज हम जैसे कि वादा किए थे आपसे अप्लाइड साइंस घुमाने की बात की थी, तो हम आपको आज अप्लाइड साइंस घुमाएंगे। तो गाइस जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमारी वीडियो अप्लाइड साइंस पे है, और तो हम आपको आज अप्लाइड साइंस की सारी व्यू दिखाने वाले हैं हमारे अप्लाइड साइंस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए मैं जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा वो अप्लाइड साइंस का बीच का क्या कहते हैं पार्क टाइप का बनाया हुआ है, जिसपे हम अपने लेक्चर फ्री होती है तो हमें घूमने जाते हैं और या फिर वहाँ पे चिल आउट भी करते हैं, बैठे हुए रहते हैं। और जैसे कि देख सकते हो इधर हमारी एक्सप्रेस है, तो भाई जैसे कि हमने ये हमारा अप्लाइड साइंस है और इसके आगे जाते हैं तो हमारे एक फिजिक्स लैब आती है। और यहाँ लिखा हुआ है कीप साइलेंस, क्योंकि बच्चे बहुत हल्ले करते हैं। और ये देखिए वहाँ पे हमारा फिजिक्स लैब, और जैसे कि यहाँ पे क्लासेस चल रही है, आगे है इंग्लिश लैब। तो गाइस जैसे कि हमने आपको अप्लाई साइंस की इंग्लिश लैब के बाहर आया हुआ हूँ और यहाँ पे हमारे एक फ्रेंड भी खड़े हैं जो कि धूप सेक रहे हैं और तो क्या कर रहे हैं, सोच रहे क्या करें, तो क्या कर रहे हैं सोच रहा है। ओके, तो गाइस देख सकते हो हमारे अप्लाई साइंस के बाहर ऐसे व्यू दिखते हैं। ये गाइस जैसे कि देख सकते हो कि सारे बच्चे देख सकते हो आप, ये सारे सोलर पैनल लगे हुए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, आपको और भी चीज़ें हैं अप्लाइड साइंस में, बस इतनी चीज़ नहीं है। तो अभी आपको दिखाने वाले हैं कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं, तो चलते हैं हमारे साथ, बढ़ चलते रहिए। तो गाइस देखो कि नीचे आ गए फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में, और इस साइड हमारे पार्किंग अलॉट है और इस साइड और भी ऑफिस हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिस। तो भाई अभी देख सकते हैं कि अभी हम जा रहे हैं, ये बहुत ही साइलेंस है, देख सकते हैं इसके अभी अभी हम जा रहे हैं, यहाँ बहुत ही साइलेंस है। और आपको और भी चीज़ें दिखानी है तो उसी की ओर हम जा रहे हैं, जैसे कि देख कॉलेज के सीन देख सकते हो। और ये देखो गाइस, तो अभी हमारे फ्रेंड कुछ बोलना चाहते हैं आपको इस बारे में, तो बोलो यार। तो जैसे
देख सकते हैं आप पीछे, आपको ये मिरर वर्जन दिखेगा, पर ये हमारे चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बस, ये आपको जैसे पीछे दिख रही है ये वही कॉलेज की बस है भाई, जो खन्ना के एंड पे पड़ती है, लुधियाना की साइड से अगर आप खन्ने साइड जाओ ना तो वहाँ पे एंड में पड़ती है, क्योंकि ये भाई हमारे भाई जो है वो लुधियाना से, क्योंकि ये भाई हमें बोलने नहीं दे रहे कोई बात ना, मैं बोलने दूंगा यार, पर तो मेरा भाई जो है वो पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको सारी चीजें की क्लियर करके बताएंगे। ऐसा था जैसे 12वीं के पेपर के बाद जब जेई का पेपर था ना, तो इसने तो वहाँ पे अपने बिहार साइड दिया पेपर, अच्छा हमने लुधियाना में इस साइड दिया ना, ना भाई झारखंड, हमारा सेंटर, हाँ झारखंड, जहाँ पे हमारा सेंटर बना था ना वो यहाँ पे पड़ा था सीजीसी में। अच्छा, तो अभी अगर किसी और दिन हमको, हम आपके ब्लॉग में बताएंगे सीजीसी का कैसा एक्सपीरियंस। तो गाइज, पर आज इतना सब कुछ हो गया तो आज नहीं बता सकते, लेकिन अगली बार जरूर बताएंगे। तो गाइज, अभी हम जैसे कि आपको बताए थे कि शूटिंग रेंज दिखाने वाले हैं, तो हम उसी की ओर पहुंच चुके हैं, और आपको दिखाने वाले शूटिंग रेंज में किधर साइड, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो पहली बात तो देख लो कि इस साइड, इधर साइड जितने भी होते कैंप लगते हैं और एनसीसी वाले, और इधर साइड जितने भी है वो फायरिंग के लिए बनाए हुए हैं, और वहाँ पर एक्चुअली अभी फायरिंग, अभी एनसीसी वाले कैंप लगी नहीं है तो फायरिंग हो नहीं रही है, तो उसके लिए भी वो क्रिकेट वाला बनाया गया है कि ताकि क्रिकेट लोग खेल सकें, मतलब क्रिकेट सीख सकें। और तो गाइस, अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे रिसेस हुई थी, तो अभी जा रहे हैं अपने मेस की ओर, क्योंकि हमें भूख लगी है बहुत तेज वाली, और मेस के टाइम भी हो गई है, और ये मैं फिर भी ये डे स्कॉलर है, और ये हमारे मेस में मैं मेरे नाम पे खाना खाएगा, गाइस बहुत भी लाते तो गाइज, अभी हम अपने मेस की ओर पहुंच गए हैं, और अभी जा रहे हैं, बस पहुंच गए, ज़्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सफाई, और ये हम पहुंच गए अपने हॉस्टल क्लब, जैसा कि आप देख सकते हो हॉस्टल क्लब है, और बस इससे थोड़े से दूर पे है हमारा मैस, तो खाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। आओ यार, हमारे तो मेस खुले ही नहीं है, देखो गाइस भूख लगी है यार, और मेस अभी तक बंद है। तो गाइस, जैसे कि अभी बताया था कि हमारे जो मेस अभी बंद है और ये खुली नहीं है, और हमारे और ये हमारे जो फ्रेंड है, ये हमारे हॉस्टलर फ्रेंड है, लेकिन ये जो दो फ्रेंड है वो हॉस्टलर नहीं है, लेकिन फिर भी गार्ड से छिप कर वो लोग घुस चुके हैं, ये किसी को गाइस, लेकिन किसी को बताना नहीं है, ठीक है ना। फाइनली गाइस, हमारी मेस खुल गई आफ्टर 15 मिनट, और आप जैसे कि देख सकते हो ये हमें मेस में, हमें अभी चावल और जो कि जीरा फ्राई है, और उसके साथ हमें रायता मिला है, और उसके साथ हमें ये क्या बोलते हैं चने की सब्ज़ी मिली है, तो अभी हमें भूख लगी है, तो हम अभी खाने जा रहे हैं, आपसे हम खा के मिलते हैं। फाइनली गाइस, हम अपने मेस की खाना खा लिए हैं, और अभी हमारी एक लेक्चर है जो कि फिजिक्स की है, जो कि हमें करनी पड़ेगी क्योंकि हमें अटेंडेंस चाहिए, तो और हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा वहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमें अभी हम फिलहाल तो खा के हमें नींद आ रही है फिर, लेकिन फिर भी हमें क्लास करनी पड़ेगी, मजबूरी है, पर कोई ना ही, हम करेंगे अभी क्लास, और आपसे हम क्लास के बाद मिलते हैं, और फिर कुछ और बातें करेंगे। हेलो गाइस, तो जैसे कि हमारे फिजिक्स की लेक्चर अभी लगी, और हम थोड़े, हमें फिजिक्स पसंद है, लेकिन फिर भी हम थोड़े बोर हो गए हैं अभी आज के लेक्चर में, पता नहीं क्यों, टॉपिक ही शायद बोरिंग था, और फाइनली हमारे सारे लेक्चर खत्म हो चुके हैं, अभी एक और लेक्चर थी बीई की लेक्चर, बट एक्चुअली क्या हुआ कि बीई की लेक्चर कैंसिल हुआ है, क्योंकि जो हमारे सर है वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, हमारे सारे लेक्चर खत्म हो गए, तो हम जा रहे हॉस्टल, और आप तो आज की जो ब्लॉग है वो आज यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं, और लाइक सब्सक्राइब लाइक, तो जैसे हमारे भाई ने बोला कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर देने के लिए, तो यार प्लीज कर दो यार, मिलते हैं फिर।